सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो गया और आज बड़ी बेहतरीन एक मिनट स्टार्ट नहीं हुआ खत्म भी हो गया आप कहाँ पे हैं अच्छा भाई जो उन्होंने पहली इनिंग में 6 विकेटों के ऊपर 339 तोबा मेरी अल्लाह अस्तगफार जयसवाल की हो गया भाई ने नहीं करते इतना गुस्सा ये गुस्सा है कि रिंकू सिंह में हमने देखा था कि भाई तुमने बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक सो स्टेडियम में तुमसे पहले हमारी टीम के ऊपर बोल के क्यों आए भाई इस राज में देखा कि आज 6 विकेट 5 मिनट ओ भाई आज जयसवाल टेस्ट ओ भाई टेस्ट सीजा ही देख की हो गया तुम यार उससे लोग कहते ना कोई तर्स खाना रैम खाना कोई चक्कर ही नहीं है उसके अंदर आज इंडिया डेफिनेटली छाया है इस छाए जाने की वजह भी आपके सामने है आपने खुद बताया है कि अगर जयसवाल की बात की जाए तो आज 177 प्लस तक जा रहे हैं एंड इट्स रियली अ वेरी रिमार्केबल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जयसवाल आज कुछ ना कुछ करेंगे मुझे लग रहा है वो गुस्सा उतार रहे हैं पिछले मैच को कि आज मैंने इंग्लैंड को छोड़ना नहीं है एंड इंग्लैंड जो अपना एक बड़ा फास्ट बॉलर लेके आए थे जेम्स एंडरसन उन्होंने भी कुछ नहीं किया एक विकेट सीरियसली आपकी बॉलिंग आज ऐसी थर्ड क्लास नजर आई है कि हम लोग खुद हैरान हो गए पिछली बार तो आप बड़ा हार्टले की बात कर लें 7 विकेट लेकर गए हैं लेकिन आज हार्टले वाटले भी नजर नहीं आया जिस तरह से इंडिया ने रन कर लिए अगर इंडिया कल आके एड ऑन 100 का भी और कर लेना तो भाई इंडिया दोनों बारियों में आउट कर देगा इंग्लैंड को एक इनिंग के अंदर अंदर एक इनिंग से मतलब कि जीतने वाला इंडिया आराम से जीतने वाला है सर बदला लेगा इंडिया इंग्लैंड को किसने बोला था इनको हराओ मेरा भाई उन्होंने एक वर्ल्ड कप का मैच हारा है उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं किया बाकी टीम्स के साथ एक मैच इंडिया ने दे दिया था वो क्या समझ गए थे कि हम बहुत बड़े कोई बन चुके हैं बन चुके हैं वो एक मेहमान नवाजी थी घर पे आए हुए थे इसलिए उन्होंने को थोड़ी सी कर दी है उसके लिए अब वो सर पे तो ना बैठ दिए इंडिया के सर पे बैठ इंडिया के एक नंबर वन टीम है कैसी हैं आप आज हमने फिर आपको पकड़ लिया मुझे ये बताया कि आज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच था आपने लाजमी देखा होगा आज 323 रन से प्लस टारगेट जो है वो इंडिया ने दिया है फर्स्ट इनिंग्स में और जयसवाल को अगर देखा जाए तो 170 प्लस स्कोर उन्होंने किया क्या कहेंगे आज तो इंडिया छा गया आज इंडिया डेफिनेटली छाया है इस छाए जाने की वजह भी आपके सामने है आपने खुद बताया है कि अगर जयसवाल की बात की जाए तो आज 177 प्लस तक वो जा रहे हैं एंड इट्स रियली अ वेरी रिमार्केबल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जयसवाल आज कुछ ना कुछ करेंगे मुझे लग रहा है वो गुस्सा उतार रहे हैं पिछले मैच को कि आज मैंने इंग्लैंड को छोड़ना नहीं है एंड इंग्लैंड जो अपना एक बड़ा फास्ट बॉलर लेके आए थे जेम्स एंडरसन उन्होंने भी कुछ नहीं किया एक विकेट सीरियसली आपकी बॉलिंग आज ऐसी थर्ड क्लास नजर आई है कि हम लोग खुद हैरान हो गए पिछली बार तो आप बड़ा हार्टले की बात कर लें 7 विकेट लेकर गए हैं लेकिन आज हार्टले वाटले भी नजर नहीं आए और आज एंडरसन तो बिल्कुल चलते हुए नजर नहीं है बट जयसवाल ने अपना बल्ला छोड़ा नहीं है आज उन्होंने कहा कि आज या तो मैं हूँ या ये इंग्लैंड के बॉलर्स हैं अभी तक वो टिके हुए हैं ये सबसे बड़ी बात है अमेरिका में 5 विकेटों के नुकसान पर 323 तक अभी तक भारत गया है एंड इट्स वेरी लवली टू सी देयर परफॉर्मेंसेस एंड जयसवाल बिल्कुल एक नए यंगस्टर्स हैं इनका ये सेकंड आई थिंक टेस्ट मैच है जो खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ और मजा आया बहुत ज्यादा अच्छा लगा देख करके भाई ये यंग टैलेंट इतना अच्छा उभर कर सामने आया है जहां पर हम रोहित से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप कर पाएंगे जयसवाल के साथ डेफिनेटली कोई नहीं बिल्ड कर पाया जयसवाल खुद के साथ ही पार्टनरशिप लगाते बैठे हुए हैं मैं आज मैदान में आया हूँ तो मैंने अपनी पार्टनरशिप खुद ही लगानी है अपने साथ और मैंने खुद ही आगे बढ़ते जाना है ये सबसे बड़ी बात है लेकिन आज डेफिनेटली बहुत अच्छा है मैच देखकर जिस तरह से इंडिया ने अपना कमबैक किया है आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड से इतना कुछ हो पाएगा इतनी वो कुछ कर पाएगा और मजे की बात यह है कि आई थिंक सो कि अभी सिर्फ जयसवाल को गुस्सा देखने को मिला हम लोगों को जब इंग्लैंड की बारी ने तब पता नहीं बॉलर्स ने क्या हाथ करना है इनका बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही है जेम्स एंडरसन जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है और 41 ईयर्स के और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो भी आज उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नकाम हमें नजर आया तो सोच के डर जाता है यंगस्टर हो ना कोई सामने हो कि यार इतना मंजा हुआ प्लेयर सामने आ रहा है इतना मंजा हुआ फास्ट बॉलर सामने आ रहा है पता नहीं मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा पता नहीं मैंने क्या करना जब वो सामने जयसवाल ने कहा अच्छा खड़ा रहा है आज बीच में इससे बड़ा कोई मैं कहती 50 साल का भी बुला लो तो मैंने छोड़ना नहीं है उस बंदे को तो मैं समझती हूं ये कॉन्फिडेंस है ये कॉन्फिडेंस इनको कहां से मिला है इनके बड़े बड़े प्लेयर्स इनको कॉन्फिडेंस मिला है एंड इंडियन टीम की सबसे बड़ी बात ही है कि वो अपने छोटे छोटे जो स्टार्स हैं लिटिल स्टार्स हैं बिल्कुल यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक कह लें कि मैच्योर तरीके से उनको बकअप देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ये सबसे बड़ी एक बात है और ये बात अच्छी भी लगती है इंडियन टीम की आज आप देखें जयसवाल की जितनी ग्रूमिंग आपको नजर रजत ने भी अच्छा स्कोर किया 30 प्लस स्कोर है ठीक है स्कोर रजत का स्कोर अच्छा रहा है आज लेकिन मैं पर्सनली जिसका वेट कर रही थी वो नहीं आया मैं सरफराज खान का वेट कर रही थी मैंने स्पेशली पूछा मैंने कहा सरफराज खान नहीं अभी तक नहीं अभी रजत खेल रहे हैं उनकी जगह पर मैंने कहा मैं तो फुल डिटाइकी से बैठी थी मैंने कहा जिन्होंने आना है आज वो आज सेंचुरी करके जाएंगे क्योंकि वो लंबी इन खेलने वाले हैं फिर हम लोगों को नजर आते हैं उनके जितने रिकॉर्ड्स हैं वो कमाल के रिकॉर्ड्स बना चुके हैं तो आई होप सो कि चले इसमें नहीं अगले में तो डेफिनेटली मुझे ये बताइए कि जितना स्कोर इंडिया वालों ने कर दिया कहीं इंडिया एक इनिंग से तो नहीं जीतने वाली या 2-3 दिन में एक मैच खत्म तो नहीं करने वाली मैं यही देख रही हूँ कि इंडिया ने जितना आज कर लिया है ना गुस्से में आके मुझे नहीं पता आज गुस्सा के उतार रहे हैं वो और लग रहा है कि शायद आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका के
साथ हुआ था ना, कम खेल के दो दिन में मैच ठप गया, चलो घर चलते हैं हम लोग भी। तो इंग्लैंड के साथ बैटिंग यही कराने वाले सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, तो हम बड़े एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली। हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि इंडिया डेफिनेटली, सी बात है जो लोग कहते थे एक खेलने के प्रोफेसी थी, एक पेशन कोई थी कि पहला मैच हमेशा इंग्लैंड जीते, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में कुछ नहीं आता और आज वही हो रहा है। और मैं स्पेशली वो क्या नाम था ब्रेंडन मैकोलन जिन्होंने कहा था भाई भाई हमारे स्पिनर्स रेडी बैठे हैं, इंडिया जो मर्जी कर ले, जो मर्जी वेदर कंडीशन हो, पिच कंडीशन हो, हम बड़ा हैंडल करेंगे, उनको पकड़ के लाओ दरमियान, फिटो पकड़ के आप लोग। ये आपने क्यों इतनी शोखी मारी है, वो अपने आप को सेट पैट कम समझ रहे हैं, बाबे बाबर आजम की तरह बेचारे मार के फंस गए हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो जैसे बाबर आजम कहते हैं ना आप मुझे ग्राउंड में देखेंगे, ये होगा वो होगा, तो वैसे मुझे पेशेंस हुई है ना, बड़े कम लोगों की सक्सेसफुल रहती है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के पैट कम की जो पेशेंस हुई थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही है, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता भाई, हर किसी के साथ इतना लक अच्छा नहीं चलता जिनको उनका लक अच्छा चल गया। बट राइट नाउ इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, मजा आया आज मैच देखकर। जयसवाल ने लिटरली कितने परसेंट चांसेस है कि एक इनिंग से जीतने वाला इंडिया, इंडिया के ऑलमोस्ट कह लें कि दे आर 99% चांसेस, चले 1% चांस दे ही देते हैं इंग्लैंड वालों को, तरस खा लेते हैं हम। इंग्लैंड सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो गया और आज बड़ी बेहतरीन, एक मिनट, स्टार्ट नहीं हुआ खत्म भी हो गया, आप कहां में हैं? अच्छा भाई, जो उन्होंने पहली इनिंग में 6 विकेटों के ऊपर 339, तौबा मेरी अल्लाह, इस्तगफार, जयसवाल की हो गया भाई ने नहीं करते इतना गुस्सा। ये गुस्सा एक रिंकू सिंह में हमने देखा था कि भाई तुमने बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक सो के स्टेडियम में तुमसे पहले हमारी टीम के ऊपर बोल के क्यों आए भाई, इस तरह आज में देखा कि आज 6 विकेट 5 मिनट, और भैया जयसवाल टेस्ट, और भाई टेस्ट सीजा ही देख की हो गया तुम यार, उससे कहते ना कोई तरस खाना रैम खाना कोई चक्कर ही नहीं है उसके अंदर। आज आज मैंने जो इनिंग देखी है ना उसकी, मैं कहा नहीं भाई वाकई वाकई इंडियन यंगस्टर्स ने एक सो कॉल्ड नाम बना है, जो उसने ब्रैंडन मैकलम ने इंग्लैंड को लकब दिया है बेसबॉल है, उसको एक्सपोज टोटली एक्सपोज कर दिया भाई। देखें पिछले मैच, पहला जो मैच बैठा है उसके अंदर जेम्स एंडरसन भी नहीं था, टॉम हार्डले ने हाइप क्रिएट की, 6-7 विकेट ऑलमोस्ट ले गया, उन्होंने तब बड़ा चर्चा किया जी इंडिया ऐसे। उस परफॉर्मेंस के बाद ब्रैंडन मैकलम ने भी एक स्टेटमेंट दी कि भाई इम्तियान है जो लेके जो मर्जी। हाँ बिल्कुल, और एक बंदा तुम्हारे को सामने नहीं याद है तुम्हारी की पूरी टीम सामने है, बिल्कुल ऐसी है। अगर जयसवाल के साथ यहाँ रोहित शर्मा खड़ा हो जाता ना, बिल्कुल ऐसी है, तो इनकी तो मां मर जानी थी। 350 का जहाँ पे अभी उन्होंने किया वहाँ पे 500 का होना था अगर रोहित शर्मा खड़ा होता तो। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है, पहले डे के अंदर 93 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 339 6 विकेटों के नुकसान पर, और एक ही ओपनर प्लेयर खड़ा हुआ जो कि 180 के राउंड बोर्ड खड़ा 179 ओवर है, उसे चाहे बोल से ज्यादा खेल टेस्ट मैच है, एंजॉय करके खेल रहा है, और उसने भाई अन्नी मचा दी है, अन्नी सर डरी कोई नहीं है, जैसे जेम्स एंडरसन इतना खतरनाक प्लेयर है, इतना खतरनाक बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, तो उसका तो उसको डर ही नहीं है, आज वो भी बिल्कुल नाकाम रहे, आज सारे बॉलर नाकाम रहे। आप डर की बात, मैकलम ने क्या कहा था कि भाई हमारे सारे बॉलर तैयार हैं, आज तो वो किधर गए उनके बॉलर्स, वो सारे बॉलर। आप डर की बात कर रहे हैं, मैंने जो देखा ना वो जेम्स एंडरसन डर रहा था कि भाई जयसवाल मेरे ओवर में सामने फेस ना करे, ओ यार इतना उसने डर डाल दिया। अभी मेरे ख्याल से पहले कोई उसकी इनिंग्स चल रही है, यंगस्टर प्लेयर है तू भाई, तू थोड़ा सा तरस यही खा ले कि बाबो को तू डरा खड़ा हुआ है, बाबो के तूने वो गोटे गिटे पहले जवाब दिए हैं तूने, वो भी खत्म कर दिया, डेड कर दिया। सीरियसली टॉम हार्डले, जेम्स एंडरसन, उसके बाद जो बशीर नया बॉलर आया आज, तीनों की बॉलिंग मर चुकी थी, एक्सपोज कर दिया है मैकलम की बातों को उसने। अब मैकलम को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि मैं माफी मांगू। अब मैकलम एक और स्टेटमेंट देगा, तो वो क्या, इंडियन पिचेस से इंडियन क्राउन, ये भी हो सकता है, इंडिया ने पिच चेंज कर दी, और भाई शर्म से डूब मरो, जो टैलेंट है वो टैलेंट ही होता है, टैलेंट एक मैच में ना चले 10 में ना चले लेकिन एक में चल के 10 के बराबर का अपना रिकॉर्ड कर गया। बिल्कुल ऐसी है, हमने जयसवाल की इनिंग देखी पहले टेस्ट में, नो डाउट अच्छा स्कोर किया था, 78 राउंड पर 70-80 स्कोर किया, इतना कुछ किया था स्कोर, लेकिन आज तो उसने कहा कि भाई मैकलम होगा तो किसी दौर का क्रिकेटर होगा, तो इंग्लैंड का कोच जिसने क्रिकेट याद किया है, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन तू इंडिया में खड़ा हो गया हम ही कह रहा है भाई तैयार हो इंज कर लो, अब तुम देखो तुम्हारा साथ। अच्छा ये बताएं कितने परसेंट चांसेस हैं कि इंडिया जो है रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है या दूसरे या तीसरे दिन में ये मैच खत्म करने वाला है? देखिए दूसरे तीसरे दिन की आप बात करें, अगर कल 10-15 ओवर जयसवाल होर खड़ा रहा, अच्छा इन्होंने 400 प्लस स्कोर करके डिक्लेयर होना है, अच्छा डिक्लेरेशन लेनी है, और उसके बाद कल के दिन में मेरे जहाँ तक मेरे सिक्सन कह रही है जिस तरह के वो कह लेंगे हाइपर हो गए हैं, या मुकेश कुमार को हमने देखा बिल्कुल पवेलियन में बैठा क्या कदम कर रहा था कि भाई बस किसी दिखा इनिंग खत्म हो, मुझे पहला अटैकिंग ओवर मिल गया, मैं पिछे उखाड़ दूंगा इनकी, जिस तरह उनकी बॉलर तैयार बैठे हैं, मुझे लग रहा है कल 10 साल अगर जयसवाल खड़ा रहा और 400 प्लस स्कोर जाएगा, डिक्लेरेशन होगी और इंग्लैंड हिस्ट्री बनेगी, इंग्लैंड को 100 से नीचे आउट किया ऑल। अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है श्रीलंका वाला हाल इंग्लैंड को देखिए, जैसे पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में डिफेंसिव गए थे ना उस वजह से इंडिया हार गया, इंडिया ने कहा कि नहीं यार बहुत डिफेंसिव हो गया, आज फिर अटैकिंग मोड में खेलेंगे और स्पेशली जयसवाल की ही बात होगी आज, जिस तरह से 170 प्लस रन, ठीक है मैं कहता हूँ कि एक हार से निकल के बाद उसके बाद इतने जबरदस्त रन करना यार एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि रोहित शर्मा चल जाएगा या फिर
शुभमन गिल को शर्म आ जाए, वो 100 रन कर जाए, लेकिन नहीं भाई जायसवाल ने कहा मसला नहीं है, मैं आ गया इंटरनेशनल लेवल से, मैं भी कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है यार, देखे चले 100 होता है 120-130 प्लस, और अभी क्रीज में खड़ा है ठीक है, तो मतलब 200 तो कंफर्म है, 200 लग जाएगा, उसके बाद देखते हैं सेकंड डे में क्या कहते हैं। मुझे इतना लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया ने रन कर लिए, अगर इंडिया कल आके एड ऑन 100 का भी और कर लेना, तो भाई इंडिया दोनों बारियों में आउट कर देगा इंग्लैंड को एक इनिंग के अंदर अंदर ही। एक इनिंग से मतलब कि जीतने वाला इंडिया, आराम से जीतने वाला है सर, बदला लेगा इंडिया। इंग्लैंड को किसने बोला था इनको हराओ, मेरा भाई उन्होंने एक वर्ल्ड कप का मैच हारा है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं किया बाकी टीम्स के साथ, ठीक है जाके घर में जाके हराया, उसके बाद जो टीम आई है। सबसे बड़ी बात है कि बातें की, और फिर मैकेलम ने बातें की, हमारे स्पिनर रेडी है, फिर वहां पे बातें की कि भाई बेसबॉल रेडी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ फिर जरा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैकेलम ने कल ही एक बयान दिया, कहता जी अब हम पहले से तेज खेल के दिखाएंगे आपको, और वो जसवाल के हाथ लग गए ठीक है, जसवाल आगे से चल गया, बेसबॉल तो नहीं जसवाल चला है ठीक है, जसवाल ने जिस तरह मारे, देखिए जेम्स एंडरसन बड़ा एक्सपीरियंस वाला बॉलर है, 17 ओवर फेंके हैं उसने, लेकिन एक विकेट ली, वो भी शुभमन गिल की जो आउट ऑफ फॉर्म है, वो तो कह रहा है ही नहीं प्लेयर, उसको फिर खिला लिया, शुभमन गिल को ले गए ठीक है। इसके अलावा देखें बशीर को कह रहे थे जी बड़ा स्पिनर हमारा आना है, 2 विकेट्स ले सका है, मतलब कि ओवरऑल भाई टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, जिसको बोलते हैं डोमिनेट करना। बिल्कुल मैकेलम की वो जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल बेकार नजर आई, कोई उसके ऊपर दम नजर नहीं आया, कि इंग्लैंड के स्पिनर भी बिल्कुल फालतू नजर आए, कोई ऐसे हम दमदार नजर नहीं सर देखें। बिल्कुल ऐसे ही स्पिनर इंग्लैंड के पास ना आज तक आए हैं ना आएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास एक शेन वॉर्न स्पिनर आया था यूरोप के पास, अदरवाइज सारे स्पिनर एशिया के पास है, पाकिस्तान के पास अच्छे थे, उसके बाद इंडिया के पास, तो खैर अभी भी हाँ इंडिया को जडेजा की कमी थोड़ी सी महसूस होगी, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया के पास जो स्क्वाड है ना सर, मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड तो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था साउथ अफ्रीका में जाके 2 दिन में रिकॉर्ड मैच खत्म कर दिया, क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के जैसे बॉलर अगर कल 500 ऐड करके इनको फौरी से भारी दे दें और इनसे जो है चेज ही ना हो पाए और आउट करने टाइम से, उम्मीद है कि कोई रिकॉर्ड बनेगा? यार रिकॉर्ड तो बनेगा अगर जसवाल आउट हो गया, अदरवाइज जसवाल 300-400 कितने लिए जाएगा यार, मैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ूं, मैं 300-400 रन करूं ठीक है, अगर तो जसवाल उस साइड पे निकल गया, गुस्सा तो इसी तरह पूरा होता है कि इनको 4 दिन बताएं जरा। बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए मारेंगे यार, मुझे लग रहा है अभी तो इनकी बड़ी डीप बैटिंग पड़ी है ठीक है, अभी तो इनके अश्वन ने आना है, 4 ने आना है, सरफराज बड़ा है अभी, सरफराज तो मैं वही कह रहा हूं कि जी मजा आ जाएगा मैच देखने का सर। देखें पार्टिनर ने डेब्यू किया ठीक है, 32 रन पे आउट हो गया, लेकिन डेब्यू में 32 इट्स नॉट अ बैड स्कोर, आप देखें तो मतलब कि ओवरऑल अच्छा है, सारे प्लेयर्स अच्छे रहे हैं, रोहित शर्मा 20-30 ऐसे सारे करते गए हैं। बिल्कुल जसवाल ने कहा भाई एक एंड से आप लोग आते जाओ जाते जाओ, दूसरे एंड पे मैं खड़ा हूं, दूसरे एंड पे मैं खूब मारूंगा। उन्हें एक मैच इंडिया ने दे दिया था, वो क्या समझ गए थे कि हम बहुत बड़े कोई बन चुके हैं, 30 मार बन चुके हैं। वो एक मेहमान नवाजी थी, घर पे आए हुए थे, इसलिए उन्होंने कोई थोड़ी सी कर दी है, उसके लिए अब वो सर पे तो ना ना बैठ दिए कि इंडिया के सर पे बैठ, इंडिया की एक नंबर 1 टीम है, उनकी एक इज्जत है, एक उनका क्रिकेट में एक नाम है, उन्होंने अब घर आया को जलील नहीं किया, तो इसका ये मतलब कि ये उनके सर पे बैठ दिए जाके। अच्छा मतलब इंग्लैंड 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 कौन सी को बड़ी बहुत बड़ी टीम है, मुझे उनके पास इतने जबरदस्त इंग्लैंड के पास स्पिनर्स थे, टॉम हार्टली था, उसके बाद जेम्स एंडरसन था जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक प्लेयर है, और एंडरसन तो 41 साल का एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसके भी आज उन्होंने चलने नहीं दिया भाई, 41 साल कौन सा कह रहा, उसकी टांगे कांपती हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसने तुमने देखा वो मैच पे आते हुए उसकी क्या हाल, कौन सा वो बहुत बड़ा प्लेयर था पता नहीं मुझे, तो मैं तो एक एक मैं आपको सही बताऊं, मुझे एक महीना पहले पता चला कि इंग्लैंड की कोई टीम है। अच्छा यार उसका नामो निशान ही नहीं है, कौन सी को टीम है? अच्छा। इंडिया की टीम और चीज है, बिल्कुल इंडिया एक नाम बना चुका है वर्ल्ड में, इंग्लैंड को चाहिए ये छोटी टीमों के साथ, जिस तरह अफगानिस्तान के साउथ अफ्रीका की ये गली मल्ले के उनके साथ खेले, अब घर पे आए मैं बता रहा हूँ इंडिया इंडिया के अगर हम यहाँ से गली से भी लड़के लेके चले जाएंगे ना वो जरूर इज्जत देंगे। अच्छा बिल्कुल, मैच कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा उसी चीज को अब उन्होंने सिर पे संवार कर लिया, हमने इंडिया से जीत जारी सी बात, उनका फखर बनता था कि मैकेलम ने कहा था कि भाई हमारे स्पिनर रेडी हैं, और देखिए उनके इंडिया की टीम ने क्या स्पिनर्स कॉल किया, कहां गए स्पिनर, यहां से आए थे वहीं पे गए गए कि नहीं गए, ये है ना, मैंने आज मैच नहीं देखा। अच्छा क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे सेटल था और मुझे पता था कि इंडिया ने जीतना है। अच्छा। इंडिया आगे हारा हुआ है। हाँ। ये लोगों के इंटरव्यू, लोगों के ये वो कमेंट्स जो अगर किसी ने देख लिया ना, उन्होंने वो हाल करना है ना इंग्लैंड का, इंग्लैंड देखती रह जाए, गुस्सा ही उतार रहे हैं ये कि या फिर कि जीतने की गुस्सा बनता है यार, क्यों नहीं उनका बनता, मेहमानबाजी की है वो उनके लिए अजाब बन गया गल का, उन्होंने उतारना नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया एक इनिंग से जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, जैसे साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2 दिन में मैच खत्म कर दिया था इन्होंने। पहली बात तो ये कि कितना घटिया सवाल है तुम्हारा। अच्छा। अगर आप इंडिया की क्रिकेट देखते हैं आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा मतलब कि कर देंगे 2 या 3 दिन में खत्म, इसी बात करेंगे। अच्छा करना है उन्होंने। अच्छा करते आ रहे हैं, ये सवाल नहीं है। अच्छा हाँ ये आप ज़हन पे रख लें, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। ठीक है मतलब इंडिया मैच जीत चुका है, जीत चुका है।